बताइए क्या सरप्राइज है? बताते हैं सेठ जी, पहले आप दिल थाम के यहाँ शांति से बैठ तो जाइए। ठीक, बैठ गए? क्या लगता है? बैठ गए। हाँ तो बताइए। माघा, ब्रिंग अलोंग। ओके, आई आई सर। पहले अपना मुंह उधर कीजिए और आंखें बंद कीजिए। ये क्या आंखें बंद क्या कीजिए? नटू काका। सेठ जी, प्लीज ऑबे द ऑर्डर। प्लीज आंखें बंद कीजिए ना। चलो। क्या मुंह से म्यूजिक बजा रहा है? सेठ जी की आंखें बंद है। आंखें खोलिए। ये क्या है? मोबाइल। वो तो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन सरप्राइज का बोल के मोबाइल क्यों दिखा रहा है? क्योंकि यही तो सरप्राइज है। अरे क्या बोल रहे हो भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ समझ में आया ऐसा बोलो। समझाते हैं। बागा, शूट। ओके नटू काका। सेठ जी, ये टीटो मोबाइल कंपनी वालों ने हमें 1000 मोबाइल खरीदने का एक्सक्लूसिव ऑफर दिया है और हमने ले लिया है। 1000 पीस? सेठ जी, पूरे मुंबई में ऐसा किफायती और अच्छा मोबाइल सिर्फ गडा इलेक्ट्रॉनिक्स में होगा। हमने एक्सक्लूसिव ऑर्डर लिया है। ये मोबाइल खरीदने लोग यहाँ आएंगे, इससे हमारे कस्टमर भी बढ़ेंगे और मुनाफा भी बढ़ेगा। 2000 का मोबाइल हमें सिर्फ 1500 में पड़ा है। 1500 का एक मोबाइल और 1000 पीस, यानी 1500,000 का इन्वेस्टमेंट। अरे 1000 मोबाइल कब बिकेंगे नटू काका? या हमें तो ये भी पता नहीं कि बिकेंगे अभी कि नहीं। सेठ जी, आप बिल्कुल फिकर मत कीजिए, आप देखना मोबाइल धड़ाधड़ बिकेंगे। एक मिनट भाई, तू शांति रख। नटू काका कंपनी को बोल दे हमको ऑफर नहीं चाहिए भाई। लेकिन सेठ जी, हमने तो हाँ बोल दिया है। कोई बात नहीं, अभी माल आया नहीं होगा ना, तो माल आया उसके पहले ना बोल दो ना भाई। लेकिन सेठ जी, माल तो आ चुका है। क्या? वो देखिए। नटू काका, बाघा, मुझे थोड़ा तो अंदाजा था कि मेरी गैरहाजिरी में आप दोनों कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर करेंगे, लेकिन इतनी बड़ी गड़बड़ करेंगे ये मैंने नहीं सोचा था। गड़बड़ नहीं है सेठ जी, ऑफर अच्छा है, इसलिए हमने ये मोबाइल खरीद लिए हैं। अरे 1000 मोबाइल है नटू काका, कब बिकेंगे? बिकेंगे सेठ जी, जरूर बिकेंगे। बड़े सयाने कह के गए हैं ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। हाँ। ओ भाई, धंधा सिर्फ भगवान के भरोसे नहीं चलता है, दिमाग लगाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। मैं कुछ नहीं जानता नटू काका, आप ये माल वापस भिजवा दो। सॉरी सेठ जी। क्या सॉरी? उनके ऑफर की ये शर्त है कि एक बार माल दे दिया फिर वापस नहीं लिया जाएगा। क्या? नटू काका, बाघा, ये क्या किया आप दोनों ने? इतना बड़ा नुकसान करवा दिया। अरे चिंता मत कीजिए सेठ जी, हमने मार्केट में इस मोबाइल की डिमांड और रेट सबका स्टडी कर लिया है। ये फायदे का सौदा है सेठ जी, अपने मोबाइल यूं बिक जाएंगे। अरे आपके दिमाग में बात उतर क्यों नहीं रही है? 1000 मोबाइल है नटू काका, 1000 मोबाइल। डोंट वरी सेठ जी, माल जल्द से जल्द बिक जाएगा। हाँ। अच्छा, जल्द से जल्द मतलब आप कितना टाइम पकड़ रहे? 2-3 महीना। अच्छा चलो, हम 3 महीना पकड़ते। 3 महीने में 1000 मोबाइल, यानी 1 महीने के 333 मोबाइल। आप गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा इतिहास उखाड़ के देख लो नटू काका, हमने फुल सीजन में वो भी अच्छी कंपनी का मोबाइल 1 महीने में ज्यादा से ज्यादा 50 बेचे, आप 333 की बात कर रहे हैं? अरे बेवकूफी भरा काम किया तुम दोनों ने।
नटू काका, हमारी छोटी सी दुकान है, कोई बड़ा मॉल थोड़ी है कि 3 महीने में 1000 मोबाइल बिक जाएंगे। लेकिन सेठ जी, अरे क्या लेकिन नटू काका, मार्केट में रोज नए नए मोबाइल आते हैं, रोज नई नई टेक्नोलॉजी आती है, रोज लोगों की पसंद नापसंद बदलती है, इसीलिए तुम किसी एक चीज का इतना बड़ा स्टॉक कभी नहीं करते। सेठ जी, बड़े सयाने कह के गए हैं कि नकारात्मक सोचने से हमारे सारे काम भी नकारात्मक हो जाते हैं। ये भाई, अभी तेरे बड़े सयाने की बात। सेठ जी, आप मेरी पूरी बात तो सुनिए। हम इस मोबाइल को इक्का दुक्का कस्टमर के अलावा बड़े होलसेलर को भी बेच सकते हैं। हम दुकान में इस मोबाइल के बड़े बड़े पोस्टर लगाएंगे, इसकी पब्लिसिटी करेंगे, लोगों को अच्छी ऑफर देंगे। इन शॉर्ट, इस मोबाइल को मार्केट में हम एकदम गर्म कर देंगे। हाँ, हमने सब हिसाब करके रखा है। 1000 मोबाइल पे हमें 3 लाख का फायदा है। अच्छा, कैसे? मैं आपको समझाता हूँ सेठ जी। इस मोबाइल की कीमत है 2000 रुपए, हमें एक पीस पड़ा है 1500 रुपए में, हम इसे बेचेंगे 1800 रुपए में, तो एक पीस के पीछे हमें मिलेंगे 300 रुपए और 1000 पीस के पीछे हमें मिलेंगे पूरे 3 लाख रुपए। अरे शेख चिल्ली, 3 लाख का फायदा तभी होगा ना जब 1000 मोबाइल बिकेंगे। अरे बिक जाएंगे सेठ जी। चलो जाओ जाओ, दुकान में जाओ, दुकान संभालो। जय को सोचना पड़ेगा। बोलिए मेहता साहब। अरे बोलो तो तुम भाई जेठालाल, सिंगापुर में छुट्टियां मनाने के बाद दुकान में पहला दिन कैसा कट रहा है? अरे पहला दिन कट नहीं रहा है, मुझे ही काट रहा है। अब बोल रहे हो जेठालाल, सब ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है मेहता साहब। क्या ठीक नहीं, कुछ बताओ तो सही। अरे क्या बताऊं मेहता साहब, कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं भी आपकी तरह कहीं नौकरी कर रहा होता ना तो अच्छा था। का टेंशन तो नहीं, नौकरी से छुट्टी लेके घूमने गए, घूम के वापस आ गए, फिर से नौकरी में जुड़ गए, नौकरी चालू। यहाँ धंधे में तो एक टेंशन खत्म हुआ नहीं कि दूसरा टेंशन चालू। ठीक है जेठालाल, लेकिन क्या हुआ, क्या है? नटू काका और बागा ने फिर से कुछ किया? और कौन हो सकता है? तो क्या किया उन्होंने, बताओ तो सही भाई। अभी छोड़िए मेहता साहब, इसमें आप मेरी कोई मदद नहीं कर सकते, तीर कमान से निकल चुका है। क्या बोल रहे हो जेठालाल, तीर कमान? तुम सिर्फ शब्दों के इर्द गिर्द घूम रहे हो, बताओ तो सही क्या किया है नटू काका बागा ने? अरे भाई, मुझसे बिना पूछे एक कंपनी से बेचने के लिए 1000 मोबाइल ले लिए इन दोनों ने। 1000 मोबाइल एक साथ? तो बिना सोचे समझे इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया। अभी 1000 मोबाइल कब बिकेंगे, कब मेरे पैसे छूटेंगे? नहीं नहीं, समस्या तो है, पर जेठालाल तुम पूरी बात मुझे विस्तार से समझाओ तो फिर कुछ बात हो सकती है, क्या किया जा सकता है? मेहता साहब, अभी डिटेल में बताने के होश में नहीं हूँ मैं। एक काम करते हैं, शाम को 1500 रुपए मिलेंगे ना, तभी पूरा डिटेल में समझाऊंगा आपको। ठीक है? ठीक है, लेकिन तब तक तुम अपना दिमाग शांत रखना, टेंशन मत लेना, मिलते रात को 1600 रुपए। ओके ठीक है। पीजिए पीजिए सोडा पीजिए, अब्दुल के हाथ का सोडा पीजिए, रोज के टेंशन को दूर कीजिए। टेंशन तो जेठालाल का आज दूर होना चाहिए, दिन में फोन किया तब उसका दिमाग ठिकाने पे नहीं था। हेलो, हाँ हाँ बोलिए कावेरी जी, बोलिए। शादी के लिए लड़का चाहिए, अर्जेंट है? फिलहाल तो कोई लड़का मेरे ध्यान में नहीं है। अरे अब्दुल, हेलो, एक बहुत अच्छा लड़का शादी के लिए है, एकदम तैयार, क्वालिफाइड है, वेल सेटल्ड है, स्वभाव में बहुत अच्छा है और खाना बनाने में भी माहिर है। आप कौन बोल रहे हैं? खाना बनाने के लिए तो खान समय है, हमें एक लड़का चाहिए जो शादी में खाना परोसेगा। क्या? हमारी केटरिंग सर्विस के सभी लड़के अलग अलग शादियों में बिजी है, इसलिए हमें एक लड़का चाहिए जो शादी में खाना परोसेगा। ओ अच्छा अच्छा, ओ थोड़ी गलतफहमी हो गई, सॉरी। फिर भी देखिए ना, आपकी नजर में कोई हो तो प्लीज बताइए ना, या फिर आप खुद ही आ जाइए। नहीं नहीं, लीजिए अब्दुल से बात कीजिए। बोला ना मैंने। हाँ कावेरी जी बोलिए। हाँ ओके ओके ओके, या बाबू क्यों है? वो थोड़ी गलत फहमी हो गई थी। दस्ते सही क्यों है? हाँ बोला बोला, क्या हो गया? नहीं कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं हुआ। कमाल है,
अब्दुल तू दस क्यों है? नहीं नहीं अब्दुल कुछ नहीं। अरे भाई जाने दो ना भाई, अभी सोडा पियो ना आप लोग। नहीं नहीं आप तो बताए भाई, दाल ने जरूर कुछ काला है। अरे जिनका फोन था ना, उनको शादी में खाना परोसने के लिए एक लड़की की जरूरत थी, और पोपट भाई को लगा कि उनको शादी के लिए लड़का चाहिए, इसलिए पोपट भाई ने फोन ले लिया। शादी के लिए लड़का असर किसी भी गड्ढे में चढ़ जाता। सही बात है। अरे अब्दुल तू भी कमाल करता है भाई, बताना तो चाहिए था कि वो शादी में खाना परोसने के लिए लड़का चाहिए। आपने बताने का मौका ही कब दिया, फोन छीन लिया। पर आप लोगों को भी इतना हंसने की जरूरत नहीं है भाई, गलतफहमी हो गई थी, हो जाता है कभी कभी। अरे हंसी पे हमारा जोर नहीं है आगे, लेकिन हाँ ये बात सही है कि भाई गलतफहमी तो इंसान से ही होती है। और मैं भी इंसान ही हूँ भाई। हाँ पवड़लाल तुम इंसान हो, लेकिन बैचलर इंसान हो। बिल्कुल। और क्या है, पोपटलाल की अंदर की जो भावना थी वो गलती से बाहर आ गई, लेकिन इसमें कोई हंसना जरूरी नहीं है। नहीं, नहीं। कोई नहीं हंसेगा भाई, कोई नहीं हंसेगा। नहीं नहीं भाई, हंसना है तो हंसो भाई, जिसको हंसना है हंसो। क्या है ना, सिंगापुर से वापस आने के बाद मैं अब एकदम पॉजिटिव हो गया। मुझे यकीन है मेरी शादी आज नहीं तो कल तो हो ही जाएगी। अरे वाह। नहीं पोपटलाल ऐसा बोलना मतलब तुम्हारा बड़प्पन है, लेकिन फिर भी कोई हंसेगा नहीं भाई, अभी कोई मजाक कोई हंसेगा। पर पप्पू जो भी हो यार, तू तो बच गया। उस सामने वाली मैडम तुझे गलतफहमी में वहाँ पे बुला लेती तो अपना पप्पू तो दुल्हे राजा बन के वहाँ जाता और दूसरे दुल्हे राजा की बरात में बर्तन धो रहा होता। दूल्हा खाना परोस रहा है। आज तुमने इतना हंसा दिया है ना कि पेट पे दर्द हो गया। एक्चुअली आप तो डॉक्टर है, दवाई खा लीजिए। बस बस, और कितना हंसाओगे तुम। अरे मेरे साथ रहेंगे तो अब हंसते ही रहेंगे, खिलखिलाते ही रहेंगे। मजा आ गया जी, मजा आ गया, जम के मजा आ गया। नहीं नहीं सच में बहुत मजा आ गया। और मजा तो सबके साथ आता है। एक मिनट, जेठा भाई कहाँ हैं? अरे हाँ परम मित्र, कहाँ रह गए आपके? अरे आज उसे बिजनेस का कुछ टेंशन था तो मुझे लगता है इसी चक्कर में लेट हो गया होगा। की टेंशन है मेहता साहब? यार बिजनेस में अब कई टेंशन होते हैं, जब जेठा लाल आए तो उसी से पूछ लेना। मैंने तो कहा था भाई सोडा शॉप पे आ जाना, वहाँ बात करेंगे, टेंशन हल्का हो जाएगा। जेठा लाल का ऐसा ही है, खुद भी टेंशन लेता है और दूसरों को भी देता है। अरे जेठा भाई आएंगे तो खुद ही बता देंगे। लो आ गए जेठा भाई। जेठा भरा की चाल देख के तो ये लग रहा है कि बहुत टेंशन में। आयो आयो जेठा भरा, तुम्हारी राह देख रहे थे, आओ बैठो। जेठा भाई क्या हुआ? क्या नहीं, मेहता साहब बता रहे थे कि कोई बिजनेस का टेंशन है तुम्हें। वो क्या जेठा, कुछ समाधान निकला है समस्या का? नहीं मेहता साहब, समझ में नहीं आ रहा ये नट्टू काका और बागा का मैं क्या करूं। नट्टू काका और बागा का टेंशन है? नहीं नहीं उनका टेंशन नहीं है, लेकिन उन्होंने जो आग लगाई है उसका टेंशन है। नट्टू काका और बागा ने दुकान में आग लगा दी? अरे दुकान में नहीं है यार भाई, मेरे दिमाग में आग लगाई है। क्या जेठालाल, अरे दिमाग में आग कैसे लगेगा? दिमाग में कुछ होगा तो आग लगेगा ना। यार भाई प्लीज प्लीज बोल रहा हूँ मैं आपको, मेहरबानी करके आज ऐसी वैसी कोई बात मत करना, क्योंकि मैं आज बिल्कुल मजाक के मूड में नहीं हूँ। अय्यर जरा शांत बस प्लीज। जेठा तुम बताओ कि क्या किया नटू काका बागा ने? मैं तो सबको सब पता है, मैं तो सब बताइए। जेठालाल तुमने भी मुझे पूरी बात थोड़ी बताई, मुझे तो आधी अधूरी बात बताया, तुम ही बताओ भाई। ठीक है, वो हम लोग सिंगापुर में थे तभी यहाँ मेरी गैरहाजिरी में बिना मुझसे पूछे नट्टू काका और बागा ने एक टीटो मोबाइल कंपनी से 1000 पीस 15 लाख में बेचने के लिए खरीद लिए। 1000 मोबाइल? हाँ। और वो भी तुमसे बिना पूछे? तो जेठा भरा इसमें टेंशन क्या है, 1500 रुपए का मोबाइल 2000 में बेच दो और 5 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा यार। अरे छोटी फायदा तभी होगा ना जब ये मोबाइल बिकेंगे, मुझे नहीं लगता ये मोबाइल मार्केट में बिकेंगे। हाँ बराबर है, इतना 1000 मोबाइल बिकने में तो टाइम जाएगा।
अरे यार शुभ शुभ बोलो ना यार। नहीं मैदा साहब, मैं टेक्नोलॉजी के एग्जांपल के हिसाब से बोल रहा था। मार्केट में रोज नया नया टेक्नोलॉजी का नया नया मोबाइल आता है। आज का नया मोबाइल कल पुराना हो जाएगा, इसलिए 1000 मोबाइल बेचने में तो टाइम लगेगा, तब तक तो ये मोबाइल पुराना हो जाएगा। जब मोबाइल पुराना हो जाएगा तो फिर इसको कौन खरीदेगा? बी पॉजिटिव यार, हर विंटेज चीज का भी कोई ना कोई खरीदार तो होता ही है। क्यों सोडी? हाथी भाई, विंटेज कारों का तो मैं कह सकता हूँ, पर विंटेज मोबाइल, वो भी 1000 विंटेज मोबाइल। टीटो टीटो मोबाइल टीटो कंपनी का है, विंटेज विंटेज क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या 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 बोला जनरल, क्या बोला फिर से बोला यार? क्या हुआ? तुम टीटो कंपनी की बात कर रहे हो, ये विंटेज मोबाइल बोल रहे हैं। विंटेज जो चीज बड़ी पुरानी हो जाती है, चलन में नहीं रहती है, उसे विंटेज बोलते हैं। तुझे एक काम करो, वो मोबाइल का एक पीस मैंने दे दो, मैं अपने सारे यारों दोस्तों को दिखा देता हूँ, और कुछ ना कुछ तो अरे वस्ते करेंगे यार। हम पीस तो मैं लेके आया हूँ छोटी। हाँ दिखाओ दिखाओ। राइट है ये मोबाइल टिकटो। ला थोड़ी मेरे को बता। हाँ ला। छोटी ये मोबाइल 2000 का है, लेकिन 2000 क्या, अगर 1800-1700 जो मिले उसमें मैं निकालने को तैयार हूँ। ओके। मेरे को नहीं लगता ये मोबाइल बिकेगा, कोई चांस ही नहीं है बिकने का। अजय बाबा तुझे फिकर ना करो, और 10-12 मोबाइल तो मैं पक्का बिकवा दूंगा जी। हाँ जेठालाल, मैं भी पूछता हूँ मेरे पहचान वालों को, अगर किसी को चाहिए तो। हाँ मैं भी अपने ऑफिस में बात करता हूँ, स्टाफ में कोई ना कोई जरूर ले लेगा। कुछ मोबाइल मुझे दे देना, दुकान में मैं भेज दूंगा। मैं भी अपने पेशेंट्स को पूछूंगा अगर उनको फोन चाहिए होगा तो। मैं भी बात करता हूँ, हमारे तूफान एक्सप्रेस का स्टाफ है ना, उनसे किसी को चाहिए होगा तो दिला दूंगा। तुम टेंशन छोड़ो जेठालाल। अरे भिड़े 1000 पीस है, 15-20 मोबाइल बिकने से क्या होगा? ये मोबाइल कंपनी को वापस नहीं दे सकते? क्यों, पेमेंट हो गया? नहीं नहीं, पेमेंट तो एक महीने बाद देना है। तो प्रॉब्लम क्या है भाई, कंपनी को वापस दे दो भाई, टेंशन खत्म करो। अरे भाई मैंने बोला ना ये मोबाइल 2000 का है, लेकिन वो कंपनी ने 1500 में इसी शर्त पे दिए कि भाई वो वापस एक भी पीस नहीं लेंगे। इम्पॉसिबल है, एक महीने में इतना 1000 मोबाइल बिकना इम्पॉसिबल है। नहीं नहीं, मुश्किल तो है केठालाल, तुम्हें अगर 30 दिन में 1000 मोबाइल बेचने हैं ना, तो कम से कम तुम्हें दिन के 33.33 मोबाइल बेचने होंगे। अगर तुम दिन के 10 घंटे दुकान चालू रखते हो, तो तुम्हें हर घंटे में 3.33 मोबाइल बेचने होंगे, यानी कि हर 20 मिनट में एक मोबाइल बेचना हो। तेरी वो 20 मिनट में तो बड़े बड़े मॉल्स में भी मोबाइल नहीं बिकता जी। जेठाला भगवान को ही प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा कम से कम नुकसान हो, क्योंकि इतने मोबाइल तो तूफान एक्सप्रेस के फ्रंट पेज पे ऐड छापोगे ना तो भी नहीं बिकेंगे। इतने बराबर, इतना ही बिकना, ये क्या बराबर है? जेठा भाई अब क्या करोगे? मित्रों आपने चींटी को देखा है, कितना परिश्रम करती है, चीनी के दाने इधर से उधर ले जाती है, और बहुत सारी चीजें जितनी भी क्षमता होती है उसकी परिश्रम की वो करती है, लेकिन बहुत बड़ा पत्थर उठाना हो नहीं उठा सकती, क्योंकि क्षमताएं सीमित है। ठीक उसी तरह जेठालाल की गड़ा इलेक्ट्रॉनिक छोटी दुकान है, क्षमताएं सीमित है, 1000 मोबाइल कैसे बेचेगी ये दुकान? भाई आपको क्या लगता है, नटुका और बाघा ने मुनाफे के चक्कर में ये रिस्क लेके बहुत बढ़िया काम किया है, या फिर ऐसा काम कर दिया है जिसकी वजह से जेठालाल को नुकसान झेलना पड़ेगा? ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि इस वक्त जेठालाल बड़े टेंशन में है, क्या करेंगे वो आगे, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। टेंशन जायज भी, 1000 मोबाइल कैसे बिकेंगे, किस तरह से बिकेंगे, और नहीं बिकेंगे तो क्या होगा, ये तमाम चीजें होंगी, लेकिन आपके घरों में हंसी कायम रहेगी जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।